झारखंड के बोकारो में विधायक बिरंची नारायण का कोविड रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। आपको ये बता दें कि हाल ही में विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें बोकारो जनरल अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती किया गया था। वही अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद विधायक ने अस्पताल प्रशासन की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने वैक्सीन की पहले डोज ली और अब वह दूसरी डोज भी लेंगे। बहुत तेज खांसी थी तो मैंने डॉक्टर साहब से मिला तो इन्होंने कहा कि नहीं, आपको टेस्ट कराना चाहिए था। तो फिर टेस्ट जैसे ही कराया, टेस्ट पॉजिटिव आ गया और हमारा हाई साइट इन्फेक्शन था। इन लोगों ने बहुत केयर किया हमारा और मुंबई में हमारा टेस्ट करवाया, वहाँ से रिपोर्ट्स मंगवाए। अभी भी जो इन्फेक्शंस है, इनफैक्ट वो ख़त्म नहीं हुए हैं, इसीलिए डॉक्टर्स ने मुझे सलाह दिया। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण उफान पर है। बीते दिन 693 कोरोना संक्रमित की पहचान के बाद आज एक बार फिर से 690 पॉजिटिव केस सामने आ गए। राजधानी रांची में अकेले 369 कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई। झारखंड में लगातार दूसरे दिन 600 से अधिक कोरोना संक्रमित की पहचान हुई। राज्य में 24 घंटे के भीतर 162 मरीज स्वस्थ भी हुए, तो वहीं दुमका में एक मरीज की कोरोना से मौत भी हो गई। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को चुनौती के रूप में लेते हुए हेमंत सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम कर रही है। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ दिन पहले ही सचिन कोरोना से संक्रमित हुए थे, यह जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी। उन्होंने लोगों से अपना ध्यान रखने और घर रहने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप सभी लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। बिहार के नवादा, रोहतास और बेगूसराय में जहरीली शराब पीने से मौत के मामले में अब राजनीति गरमाने लगी है। विपक्ष लगातार राज्य में शराबबंदी को असफल करार देता रहा और आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि शराबबंदी कानून सिर्फ गरीबों के शोषण के लिए बनाया गया है। वहीं प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बीते 72 घंटे के अंदर अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, फिर भी अब तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है। 72 घंटे में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की जानें चली गई हैं। कुछ लोग और अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, उनकी भी स्थिति गंभीर है। इसके बावजूद प्रशासन के लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि जहरीली शराब से लोगों की जानें गई हैं। तो बिहार में लगातार जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। विपक्ष इस पर लगातार आक्रामक है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन भी ढिलाई दे रहा है। और पिछले दिनों एक बेहद ही शर्मनाक बयान भी आया था, जब कुछ लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई थी और प्रशासन का बयान आया था कि इनकी मौत शराब पीने से नहीं हुई, बल्कि ये लोग बीमारी से संक्रमित थे, ये लोग बीमार थे, जिसके वजह से ये इनकी मौत हुई है।